नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। चीन में कोरोना हाहाकार मचा रहा है। शंघाई में मंगलवार को कोरोना के 4,477 नए मामले दर्ज होने के बाद हड़कंप मच गया। यहां 2 साल बाद सबसे बड़ा लॉकडाउन लगा है। चीन ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशियाई के कई और देश इन दिनों कोविड की नई लहर का सामना कर रहे हैं, तो वहीं यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस कहर मचा रहा है। इन सब के बीच भारत के लिए राहत की बात यह है कि देश में कोरोना दम तोड़ता नजर आ रहा है। भारत में कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं। भारत में कोरोना अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। देश में कोविड पाबंदियां भी हटाई जा चुकी हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है, उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए हैं और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। देश में मामले घटकर 1500 से कम रह गए हैं। आज 1233 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,23,215 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 31 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,21,101 पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 1,876 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,87,410 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस अब 15,000 से नीचे पहुंच गए हैं। अब एक्टिव केस 14,704 हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 26,34,080 खुराकें लोगों को लगाई गई। अब तक वैक्सीन की कुल 183,82,41,743 करोड़ डोज लोगों को दी जा चुकी है। देश में अब 12 साल से ऊपर उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लग रही है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 6,24,022 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में लगभग 78,85,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो मंगलवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 424 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 103 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और कोई भी मौत दर्ज नहीं हुई। कर्नाटक में 42 मामले सामने आए और एक मौत हुई। वहीं तमिलनाडु में 37 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। गौरतलब है कि बाहर कई देशों में कोरोना तांडव मचा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के कई देशों में कोरोना केस बढ़ने को लेकर कहा है कि ये बड़ी मुसीबत की एक झलक भर है। कोरोना महामारी ना ही अभी खत्म हुई है, ना ही ये कोई सीजनल बीमारी जैसी ही बनी है। ऐसे में नई लहर का खतरा बरकरार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।